हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रतिभा सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने निशाना साधा है और कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी करार दिया है। कांग्रेस के भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस ने आनन फानन में कार्यकारिणी बनाई है और इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से दिल्ली में गांधी परिवार कांग्रेस पर हावी है, उसी तरह प्रदेश में वीरभद्र सिंह परिवार ही कांग्रेस है। प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं उसके साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अध्यक्ष पद की गरिमा ही खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि वे अपनी कार्यकारिणी खुद बनाए, दिल्ली से ही सभी पदाधिकारी बनाए गए हैं। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जाने की अटकलें थी, उसको देखते हुए कांग्रेस ने सभी को खुश करने के लिए ये तरीका निकाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी हावी है और कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। पहले तो जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी बने हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। दूसरा, ये आनन फानन में जो कार्यकारिणी इन्होंने घोषित करी है, उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट निकल के आ रही है कि देश में गांधी परिवार हावी है और यहाँ पर जो है वो अपना परिवारवाद, वीरभद्र जी की जो अपना परिवार है वो परिवारवाद हावी है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जितनी भी कार्यकारिणी बनी है तो उसमें कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 40 लोगों की ये कार्यकारिणी बन के आई है और उसके अंदर जो है रानी प्रतिभा सिंह जी को जो है वो इनका प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। रानी प्रतिभा सिंह जी जो है वो वीरभद्र जी के फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, तो परिवारवाद स्पष्ट एग्जाम्पल जो है इन्होंने एक बार सामने जनता के लेके आया है। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बूथ स्तर की पार्टी है और यहाँ पे बूथ का एक कार्यकर्ता जो है वो उठ के प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में एक अवसर प्रदान होता है कि वो एक देश प्रदेश का नेतृत्व कर सके, पर यहाँ पर सिर्फ एक परिवार को ही एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक नेतृत्व कर सके। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कार्यकारिणी बनी है, पहले तो ऐसा हुआ करता था कि एक प्रधान बना करता था और वो प्रधान जो है अपनी कार्यकारिणी खुद घोषित करता था, पर यहाँ पे जो है प्रधान के साथ जो है वो चार वर्किंग प्रेसिडेंट्स, जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बोला गया है, उसमें बनाया गया है। तो एक तो प्रधान पद की जो गरिमा है वो तो समाप्त हो गई, अब प्रधान जो है क्या निर्णय लेगा, किस प्रकार से लेगा, अब चार के साथ अतिरिक्त चार प्रधान, तो आप निर्णय सोचिए कि एक प्रधान लेगा या पाँच प्रधान लेंगे। तो उसमें जो है ये अपना जो भविष्य के घर में ये बात छुप के आएगी कि किस प्रकार से इनके निर्णय बनेंगे और किस प्रकार से ये निर्णय लेंगे। तो एकाएक जो है इनकी जो है ये एकाकरण तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, एक प्रधान को इतना भी अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने उप प्रधान, सीनियर उप प्रधान, कोषाध्यक्ष और अपनी टीम जो है वो निर्धारित कर सके। तो वो टीम तो दिल्ली से बन के आई है और दिल्ली में किस प्रकार से खींचातान हुआ होगा वो आपको पता ही है, क्योंकि खींचातानी के लिए जो है वो कांग्रेस जानी जाती है और इसके लिए जो है बड़े लंबे टाइम से इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी। आपने एक चर्चा और सुनी होगी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कांग्रेस के पास बहुत हो गए हैं और पहले भी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री सेल्फ प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री इनके हर जिले से आ रहे थे। तो कुछ लोगों को प्रधान के लिए बोला भी गया कि आप प्रधान बनना चाहेंगे, पर उन्होंने बोला नहीं, हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो आप देखेंगे हर ज़िले से जो है कोई ना कोई मुख्यमंत्री है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इनके सीनियर लीडर है, वो अपने आप में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राजेंद्र राणा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, विनय कुमार जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अनगिनत सूची जो है कांग्रेस के पास है, तो इनका एक नेतृत्व तो है ही नहीं। तो नेतृत्वहीन कांग्रेस और नेतृत्वहीन प्रदेश को ये बनाना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे।